ऑल राइट गाइस, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है सीएसएस फॉर्म्स। सो हमें मालूम है, हमने एचटीएमएल में देखा था कि फॉर्म्स क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि हम उसको स्टाइल कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको एचटीएमएल पता है, आप फॉर्म्स कैसे बनाते हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाए जाते हैं। और अगर आपको पता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं पता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेसिक आइडिया मैं फॉर्म्स का बता दूंगा कि हम फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। तो जल्दी से मैं क्विक फाइल बना ली मैंने फॉर्म डॉट एच टी एम एल की, और क्विकली यहाँ पर मैं एक फॉर्म बनाऊँगा। उससे पहले मैं फॉर्म्स लिख दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं स्टाइल डालूंगा, और स्टाइल के अंदर हम फॉर्म बनाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर फॉर्म लिखते हो तो यहाँ पर देखो आप फॉर्म बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसके अंदर फॉर्म के अंदर कुछ डाल सकते हो, लाइक अगर आप लेबल डालो, इनपुट डालो। मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक्शन जो है हटा सकते हो आप यहाँ से, क्योंकि अभी हम इसको कुछ सबमिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लूँगा एक इनपुट इनपुट, ठीक है। और आप ले सकते हो यहाँ पर लेबल, ठीक है, लेबल ले लो। अब लेबल फॉर, आप अगर लेबल किसके लिए करना चाहते हो वो ये पूछेगा, तो मैं करना चाहता हूँ मान लो नेम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दो नेम। फिर मैं यहाँ पर इसको करना चाहता हूँ लेबल फॉर ईमेल, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूँगा ईमेल। फिर यहाँ पर टाइप आप डाल दो टेक्स्ट। फिर उसके बाद देन अगेन यहाँ पर मैं डालना चाहता हूँ एक और लेबल, तो मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ पर एक और नीचे, और यहाँ पर मान लो मुझे सबमिट लिखना है, ठीक है। तो मैं क्विक एक फॉर्म बना रहा हूँ जिसको हम यूज़ करेंगे स्टाइलिंग के लिए अपनी। और फॉर्म कैसे स्टाइल कर सकते हैं मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख दूँगा मैं पासवर्ड पासवर्ड, एंड यहाँ पर मैंने सबमिट गलत लिख दिया, मुझे पासवर्ड लिखना था एक्चुअली पासवर्ड। एंड यहाँ पर लास्टली एक बटन लगाएंगे, तो बटन हम लास्ट में लगा लेंगे। बट अभी हम यहाँ पर अगर इसको गो लाइव करें तो आपको दिखाता हूँ कि हमारा फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा। देखो आप, ये हमारा फॉर्म जो है ऐसा कुछ दिख रहा है। तो गाइस, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और स्टाइल में मैं अगर फॉर्म लिखूँ, और फॉर्म के बाद अगर मैं विड्थ दूँ तो 100% दूँ, तो आप देखो 100% की विड्थ जो है ये ले लेगा। और फिर अगर मैं इसके अंदर बॉर्डर दूं कुछ, बॉर्डर मान लो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो ऐसा करके हमारे पास फॉर्म बना हुआ आ जाएगा। ये देखो आप, पूरा फॉर्म बना हुआ हमारे पास आ गया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक पूरी विड्थ इसने ले ली है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी विड्थ जो है थोड़ी सी विड्थ जो है इसकी कम करूँगा। तो 100% की बजाय अगर मैं लिख दूँ 500 पिक्सल्स, और हाइट जो है आप कर दो इसकी मान लो 600 पिक्सल्स। तो हमें पता है कि ये कुछ ऐसा हमारे पास फॉर्म बना हुआ आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा फॉर्म बना हुआ आ गया है, ठीक है। वहीं अगर मैं जाऊँ लेबल पे, तो हम लेबल को अगर एक लाइन में लाना चाहते हो, हम उसको कैसे सेट करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अगर कुछ कुछ थ्योरी पढ़ें, तो द लुक ऑफ एन एचटीएमएल फॉर्म कैन बी ग्रेटली इम्प्रूव विद सीएसएस। तो हम इसको सीएसएस से इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि हमने बिल्कुल बेसिक सा यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट किया है, इसको हम सीएसएस से इम्प्रूव करेंगे आज। और आप देखना कि ये फॉर्म अभी शुरू में ऐसा दिख रहा है, जब बन जाएगा विथ जो अभी हमने अभी पढ़ा है उसी से हम इतना इम्प्रूव कर देंगे इसे कि आप भी देख के अमेज हो जाओगे कि यस, हम इसको ऐसे कर सकते हैं विथ सिंपल सीएसएस। अब द लुक ऑफ एच टी एम एल फॉर्म कैन बी ग्रेटली इम्प्रूव विथ सीएसएस। इफ यू ओनली वॉन्ट टू स्टाइल ए स्पेसिफिक इनपुट टाइप, यू कैन यूज एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो हम यहाँ पर एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यूज़ करके अगर उसका स्टाइल करना चाहें तो हम कर सकते हैं। लाइक इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। तो अगर मैं यहाँ पर मैं बोलूँ टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, टाइप इज इक्वल्स टू नंबर, ठीक है, नंबर देना चाहता हूँ मान लो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ईमेल लिखा है, लेकिन मैं मान लो मैं नंबर देना चाहता हूँ, पर यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ पासवर्ड। या फिर इसको मैं एक काम करता हूँ, टाइप इज इक्वल्स टू ईमेल ही ले लेता हूँ। तो मैं दिखाना क्या चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम इसको एट्रीब्यूट सिलेक्टर से टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं लिखूँ इनपुट और यहाँ पर मैं लिखूँ टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड,
पासवर्ड, तो इसको मैं स्टाइल कर सकता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो अगर अब मैं इसके अंदर पासवर्ड के अंदर अगर मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दूँ, फॉन्ट साइज मान लो 40 पिक्सल्स लिखना चाहता हूँ, तो ये 40 पिक्सल्स हमारे पास आ जाएगा। तो ये देखो आप, 40 पिक्सल्स का हमारे पास इनपुट टाइप बना हुआ आ गया है। अब इसी को हम आप चाहो तो यहाँ पर कॉमा लगा के इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू जो भी हमारा टाइप है, आप जिसको टारगेट करना चाहते हो, मतलब जो टेक्स्ट को करना है, तो हम टेक्स्ट को भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कॉमा लगाओगे तो दोनों पे वो अप्लाई हो जाएगा। देखो आप, ये दोनों पे अप्लाई होगा। ऐसे सिमिलरली अगर मुझे ईमेल पे करना है तो मैं ईमेल पे कर दूंगा, तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू ईमेल, ठीक है। तो ऐसे हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर देखो तो ये ईमेल का जो है 40 पिक्सल दिखोगे तो आप ये एक लाइन पे बना हुआ आ गया है, ठीक है। अगर आपको ये मेथड मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको टाइप इज इक्वल्स टू का यूज़ करके आपको कुछ इंडिविजुअली टारगेट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर इनपुट ही लिखो, इनपुट और यहाँ पर फॉन्ट साइज जो है लिखो 40 पिक्सल्स, तो ये भी वर्क करेगा, सारों पे अप्लाई हो जाएगा। देखो आप, अभी भी ये वैसा ही दिखेगा हमारे पास। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मल्टी कर्सर लेके आऊँगा और ईमेल की जगह एक सेमी सॉरी कोलन लूंगा मैं, और पी को जो है मैं कैपिटल पी कर दूंगा, तो अब ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फॉर्म बना हुआ है, ऊपर हम एक हेडिंग लगा सकते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं H1 और यहाँ पर बोल सकते हैं फिल योर डिटेल्स, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ बना हुआ आ जाएगा। अब हम H1 को बोल सकते हैं H1 और इसका हम बोल सकते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर हो जाएगा। तो क्विकली हम एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जिससे आपको फॉर्म बनाना भी आ जाएगा और हमारा क्विकली रिवीजन भी हो जाएगा। सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस, आप इसको फॉलो करो। अब यहाँ पर हमने फिल योर डिटेल्स लिख दिया है और यहाँ पर नेम ले पूछेगा और यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर पासवर्ड पूछेगा, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा 30 पिक्सल्स में भी, ये 30 पिक्सल्स आ गया। अब आप देखो कि ये लाइन में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी जिसमें हमने लिखा था कि अगर हम इसको इन लाइन ब्लॉक कर दें तो ये एक उसमें आ जाएगा। तो मैं अगर इनपुट और लेबल, इनपुट लेबल और इसके मैं लिखूँ डिस्प्ले ब्लॉक, तो ये सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ ये साथ में आ गए क्योंकि हमने इसका इनलाइन ब्लॉक कर दिया है, सॉरी ब्लॉक कर दिया है, तो इससे क्या होगा कि एक लाइन में सारे आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अब यहाँ पर आप देखो तो ये जो फॉर्म है, अगर मैं इसको सेंटर करना हो तो अगर मैं यहाँ पर मार्जिन लिखूँ, मार्जिन, तो हमें मार्जिन क्या करूँ, अगर मैं ऑटो करूँ तो ऑटो से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली सेंटर हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको, तो देखो ये सेंटर हो गया हमारा फॉर्म, बिल्कुल सेंटर में आ गया है। इसका हमने क्या प्रॉपर्टी यूज़ करी, हमने प्रॉपर्टी करी यूज़ मार्जिन ऑटो, ठीक है। तो इसने क्या करा कि वर्टिकली हमें सॉरी हॉरिजॉन्टली इसने हमें सेंटर कर दे दिया, और हम यहाँ पर ज़ीरो लिखेंगे तो वर्टिकली ये ज़ीरो हो जाएगा कि टॉप बॉटम से ज़ीरो, लेफ्ट राइट से इसको ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, सेंटर कर देगा, ठीक है। अब ये जो है आपने देखा कि फॉर्म को हमने ऐसे करा, हम इसके अंदर बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, बॉर्डर रेडियस दे दो आप इसके अंदर, मान लो मुझे देना 5 पिक्सल्स, तो 5 पिक्सल्स का हमारे पास बॉर्डर रेडियस आ जाएगा, ठीक है, बॉर्डर रेडियस आ गए। अब यहाँ पर मैंने क्या करा है कि यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस करी हैं तो वो भी हम डालेंगे इसके अंदर, एक एक टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया होता है वो भी हम इंक्लूड करेंगे, और यहाँ पर हम एक सिलेक्ट वाला ऑप्शन जो है वो भी डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी कुछ डिस्कस है करने के लिए हमारे यहाँ पर। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि हम बॉर्डर रेडियस को हम 5 पिक्सल देंगे, तो ये बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स आ गए हमारे पास। अगर मैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर कुछ डालूं, तो बैकग्राउंड कलर अगर मैं डालूं एक लाइट सा कलर एंटीक वाइट डाल दूं, तो आप देखो यहाँ पर एंटीक वाइट कलर हमारे पास फॉर्म का आ गया है। अब साथ ही साथ अगर मैं H1 के अंदर कुछ डालूं, तो हम फॉन्ट फैमिली, या फिर मैं एक काम करता हूँ यूनिवर्सल सिलेक्टर लेता हूँ, यहाँ पर
यहाँ पर मैं एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लेता हूँ और मैं बोलता हूँ फॉन्ट फैमिली, तो फॉन्ट फैमिली क्या होगी, सारों पे वो अप्लाई हो जाएगी। तो मैं ये वाली जो है देखता हूँ, ये मुझे अच्छी लगती है। तो आप देखो तो ये, या फिर कोई सी और ट्राई करते हैं, सेंस सेरिफ करते हैं। तो या इट्स लुकिंग गुड नाउ। अब गाइस इसको मुझे सेंटर करना है, ये जो मेरा इनपुट है इनको सेंटर करना है। तो इनपुट सेंटर करने के लिए मैं क्या करूँगा, यही कॉपी हमने जैसे अलाइन आइटम हमने अपना फॉर्म सेंटर करा था वैसे ही हम इसको सेंटर कर लेंगे। ठीक है, ये सेंटर हो गया हमारा, ये सेंटर आ गया हमारा। अब ये जो हमारा लेबल है, लेबल को भी हमें सेंटर करना है। तो लेबल को सेंटर करने के लिए मैं क्या करूँगा, नीचे जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा लेबल, और अगर मैं लिखूँ यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो आप देखो कि ये सेंटर में आ जाएगा। बट देखो कि यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे ठीक दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको जो है अलाइन आइटम सेंटर नहीं कर रहा, बट इसका फॉन्ट साइज़ ज़रूर मैं बढ़ा दूँगा। फॉन्ट साइज़ मान लो 20 पिक्सल्स कर देता हूँ इसे, और 20 पिक्सल्स इज़ लुकिंग गुड। और यहाँ पर मैं फॉन्ट वेट जो है वो भी बोल्ड कर दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, लेबल का और इनपुट का दोनों का फॉन्ट वेट जो है बोल्ड रखूँगा, तो ये हमारे पास बोल्ड आ जाएगा। देखो आप, ये फॉन्ट वेट जो है ये बोल्ड आ गया है। अब यहाँ पर आप कुछ टाइप करोगे तो ऐसा कुछ दिख रहा आएगा। तो इसका जो फॉन्ट साइज़ है इनपुट का, वो थोड़ा सा मैं कम करूँगा। तो मान लो 20 पिक्सल्स इसका रखना चाहता हूँ मैं, 20 पिक्सल्स इस अच्छा दिखेगा। हाँ अभी अच्छा दिख रहा है। और इनपुट के अंदर हम थोड़ी सी पैडिंग भी डालेंगे। ठीक है, तो पैडिंग टॉप बॉटम से 10 पिक्सल्स, सॉरी टॉप बॉटम से 2 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से भी 2 पिक्सल्स, या फिर टॉप बॉटम से 5 पिक्सल्स। तो ऐसा कुछ हमारा फॉर्म बना हुआ आएगा। ठीक है, तो इसको और बढ़ा लेते हैं, इसको मैं 10 पिक्सल्स और इसको मैं 12 पिक्सल्स कर देता हूँ। और अब देखूँ तो कुछ ऐसा हमारे पास फॉर्म बना हुआ आ गया है। अब ये ठीक दिख रहा है। और आपको इसको भी स्टाइल करना है, तो हम इसको भी करना देखेंगे कि स्टाइल कैसे किया जाता हैगा। अब यहाँ पर आप नेम डालो अपना, यहाँ पर आप ईमेल डालो, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालो। ठीक है, और इसका अगर मैं कलर थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, लाइक ये रखना चाहूँ RGB कलर, तो आप इसको लगा सकते हो ऐसा कुछ कलर। तो ये भी अच्छा दिख रहा है हमारा। तो यहाँ पर हमने फॉर्म जो है फिल यू डिटेल्स लिखा, मुझे फिल योर डिटेल्स लिखना चाहिए, तो फिल योर डिटेल्स। अब यहाँ पर बारी आती है कि मैं यहाँ पर एक बटन भी बना दूँ, बटन बटन लिखूँगा तो बटन बन जाएगा बटन। और यहाँ पर मैं बोलता हूँ क्लिक, या फिर सबमिट सबमिट। और यहाँ पर टाइप, बटन का टाइप लिखूँगा, टाइप इज इक्वल्स टू बटन। ठीक है, तो ये हमारा बटन बन के आ जाएगा। यहाँ पर ये बटन बन के आ गया है नीचे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इनपुट पे जाऊँ और यहाँ पर मैं मार्जिन दूँ कुछ, मार्जिन मान लो मुझे टॉप बॉटम से कुछ मार्जिन देनी है, तो मैं टॉप बॉटम से मान लो 5 पिक्सल्स देना चाहता हूँ, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल्स। तो यहाँ पर कुछ मार्जिन हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ, तो बढ़नी चाहिए हमारी। और क्योंकि ये हमारा जो है ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये 10 पिक्सल्स टॉप बॉटम से इनपुट ले रहा है, और मैं इसको बटन पे, अब स्टाइल पे आता हूँ, तो मैं बटन जाऊँगा बटन, और बटन के अंदर हम जैसे कि फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट वेट जो है एक ही रखेंगे, तो फॉन्ट साइज़, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट कहाँ गया, मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, या फिर रखे रहने देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। एंड फॉन्ट वेट मैं एक काम करता हूँ, ये रहा मेरा फॉन्ट वेट, तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसे और बोल्ड रखूँगा इसे मैं। तो ऐसा कुछ हमारे पास बटन बना हुआ आ जाएगा। अब इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं करूँगा डिस्प्ले, इसका ब्लॉक कर दो और मार्जिन जो है इसको ऑटो कर दो, तो 0 और ऑटो। तो ये भी हमारा सेंटर में आ जाएगा, ये आ गया सेंटर में। अब इसके अंदर मार्जिन हम मान लो ऊपर से कुछ देना चाहते हैं, तो मार्जिन दे देते हैं हम 10 पिक्सल्स, तो ऊपर से ये 10 पिक्सल्स
नीचे से ऊपर नीचे से 10 पिक्सल्स ले लेगा। ये इसने 10 पिक्सल्स ले लिया। अब इसका जो पैडिंग है इसको सेट करेंगे हम टॉप बॉटम से 20 पिक्सल्स एंड दिस इज़ क्वाइट रैंडम। सो इसको आपको देखना नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा कुछ वैल्यू डाली है जो आपको याद रखनी है, बट यहाँ पर मैंने सब रैंडम वैल्यूज़ ले रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, फिर मैं चाहता हूँ बॉर्डर जो है वो नन रहे, आउटलाइन जो है वो भी नन रहे। तो आप आई होप कि आपको ये याद है कि बॉर्डर एंड आउटलाइन एंड क्या होता है। और इसके अंदर मैं कर्सर जो है पॉइंटर लगाऊंगा, कर्सर पॉइंटर, तो आप देखो कि ये कर्सर पॉइंटर बना हुआ आ गया है। ठीक है, तो गाइस देखो अभी बिल्कुल हमने कैसे स्टार्ट करा था और अब कैसे हमारा फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, और मैं एक और चीज़ का यूज़ करूँगा यहाँ पर कि बटन पर जाऊँ और मैं जाऊँ होवर पे, तो इस पर कुछ हो तो बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करना चाहूँगा। बैकग्राउंड कलर मान लो मैं चेंज करना चाहता हूँ इसका गोल्डन रॉट एंड कलर जो है इसका वाइट रखना चाहता हूँ। ठीक है, और इसको देखें हम तो कुछ ऐसा कुछ हमारा बटन दिखेगा बट इट्स नॉट लुकिंग गुड। सो बेसिक वेल हम क्या करेंगे यहाँ पर कि गोल्डन रॉट की जगह मैं इसे ब्लैक कर दूंगा और वो वाइट कर दूंगा, अब ये अच्छा दिखेगा। ये देखो आप, तो ये चीज़ देखो आपके कैसे चेंज हो गई हमने जैसी इसके अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग करी, और हमने ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं करी है जो हमने नहीं पढ़ी हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे अगर मैं यहाँ पर मार्जिन इधर पर दूँ 10 पिक्सल टॉप बॉटम से 0 पिक्सल लेफ्ट राइट से, तो आप देखो कि ऑटो कर देता हूँ, इनफैक्ट ऑटो ताकि ये सेंटर रहे, तो आप देखो कि ये इसने ले लिया है। अब अगर मैं यहाँ से ऑटो की जगह इसको थोड़ा सा शिफ्ट कराना चाहूँ, यानी कि इसको मैं ऑटो रहने दूँ और मैं बोलूँ कि मार्जिन लेफ़्ट साइड से दे दो, या लेफ़्ट साइड से 100 पिक्सल्स लेता हूँ, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा। बट मुझे थोड़ी सी कम करनी होगी, मान लो 20 पिक्सल्स करनी है, तो ये 20 पिक्सल्स चलेगा। फिर उसके बाद इसको मुझे 0 पिक्सल्स करनी है, तो ये 0 पिक्सल्स ले लेगा, ऐसा कुछ। अगर मुझे माइनस में देनी है तो ये माइनस में ले लेगा, माइनस 100 पिक्सल्स। आप देखो कि ये लेफ़्ट साइड की तरफ चला गया है। अब मुझे इसको सेंटर ही रखना है, तो आप देखो कि ये सेंटर भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको मार्जिन की एक चीज़ बता रहा हूँ कि मार्जिन कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। मार्जिन लेफ़्ट करोगे तो लेफ़्ट हो जाएगा, मार्जिन राइट करोगे तो राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने नेम भर दिया, यहाँ पर हमने नेम डालना होगा या ईमेल डालना होगा या पासवर्ड डालना होगा। आपको याद होगा एचटीएमएल में हमने पढ़ा था कि टेक्स्ट एरिया क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर डालूँ एक टैग जिसके अंदर होता है टेक्स्ट एरिया, तो टेक्स्ट एरिया, तो आप देखो यहाँ पर नेम पूछेगा, आईडी पूछेगा, कॉलम पूछेगा, रोज पूछेगा। तो नेम मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लिख दो नोट्स लिख देता हूँ, एंड आईडी डाल लेता हूँ मैं नी टेक्स्ट एरिया डाल लेता हूँ, या फिर मेरा नाम ही डाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नाम डाल लेता हूँ। और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का हमें ऑप्शन मिल जाएगा। आप देखो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया बना गया। अब इसको मैं ड्रैग करके इसको बड़ा कर सकता हूँ, और इसको डिसेबल करना भी बताऊँगा कि ये जो है इसकी ड्रैग प्रॉपर्टी हम कैसे रोक सकते हैं, और दिखाऊँ आपको मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा है टिप, यूज़ द रिसाइज प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट टेक्स्ट एरियाज फ्रॉम बीइंग रिसाइज्ड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और टेक्स्ट एरिया लिखूँ, ठीक है, टेक्स्ट एरिया लिखूँ और यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले कर दूँ ब्लॉक, तो आप देखो कि ये ब्लॉक एलिमेंट बन जाएगा। अब ये जो है हमारा थोड़ा बेटर दिखेगा। और इसको मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट सॉरी मार्जिन इसकी भी मैं ऑटो कर दूंगा। फिर उसके बाद रीसाइज प्रॉपर्टी जो है इसको मैं कर दूंगा नन। तो ये नन करने से क्या होगा कि ये जो है रीसाइज होना बंद हो जाएगा, ये देखो डिसेबल्ड हो गया। अब इसको मैं ऑटो देना है, ऊपर से मैं देना चाहता हूँ 10 पिक्सल्स मान लो, तो ये 10 पिक्सल्स ऊपर से ले लेगा। ये देखो 10 पिक्सल्स इसने ले लिया। अब इसकी विड्थ थोड़ी मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं इसको विड्थ भी बढ़ा सकता हूँ, लाइक विड्थ मान लो इसकी मैं 300 पिक्सल्स, सो 300 पिक्सल्स हम विड्थ दे देते हैं इसे, 300
तो ये 300 पिक्सल्स इसने ले लिया, और बढ़ाना चाहता हूँ लाइक 400 पिक्सल्स शुड लुक ग्रेट हेयर, मैं चाहता हूँ 400 पिक्सल्स रहे, तो ये 400 पिक्सल्स हमें दिख जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कि इसका टेक्स्ट फॉन्ट साइज़ जो है इसका सेट नहीं है, तो इसका फॉन्ट साइज़ जो है मैं 20 पिक्सल सेकेंड कर देता हूँ। फॉन्ट वेट जो है बोल्ड कर देता हूँ, तो ये बोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा जो ये है ये इससे ओवरफ्लो हो रहा है, तो मैं अगर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यहाँ लगाऊँ तो ओवरफ्लो हम लगा सकते हैं ओवरफ्लो हिडन, तो ये हाइट हो जाएगा और ये इसके अंदर रहेगा, लेकिन हमारा जो बटन है वो छिप गया है, तो इसकी जो हाइट है हम सेट कर सकते हैं। बट मैं एक काम करता हूँ, फॉर्म की हाइट जो है उसको सेट कर लेते हैं हम 700 पिक्सल्स, जिससे काम हो जाना चाहिए। देखो अब 700 पिक्सल्स करने से हमारा फॉर्म का जो है काम हो गया, बट इसको मैं 650 कर देता हूँ, जिससे हमारा काम वैसे भी हो जाना चाहिए, या हो गया हमारा काम इससे भी। और आप देखो तो बिल्कुल अच्छा फॉर्म दिखने लगा है। अब यहाँ पर मुझे एक प्लेस होल्डर लगाना है मान लो, तो मैं वो भी लगा सकता हूँ। यहाँ पर मुझे लगाना है प्लेस होल्डर, तो मैं लगाता हूँ प्लेस होल्डर राइट योर कंसर्न हियर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप राइट योर कंसर्न हियर लिखा हुआ आ गया है, और अगर आप इसकी टेक्स्ट लाइन सेंटर करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ रही है, और आपने देखा कि फॉर्म को हमने किस तरीके से डेवलप किया, और किस तरीके से हमने बिना कोई नई चीज़ सीखे और बिना कोई नई तरकीब अपनाए हमने इतनी जल्दी एक फॉर्म जो है क्रिएट कर लिया। और अगर आप इसको पसंद आया तो आप प्लीज़ गाइस लाइक करो वीडियो को, और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लग रहा है। अब इसके अंदर कलर आप जैसे अकॉर्डिंग अपने सेट करना चाहो आप कर सकते हो, लाइक ये कलर सेट करना चाहो फॉर्म का तो आप ये कर सकते हो, और आप चाहो तो इसका जो फोकस कलर है वो भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लाइक अगर मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर दूँ, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक प्लेस होल्डर दूँ इनपुट में प्लेस होल्डर, और मैं यहाँ पर बोलूँ नेम सॉरी एंटर योर नेम। ठीक है, तो ये एंटर योर नेम लिखा हुआ आ जाएगा, आप जस्ट रिविजन है यहाँ पर हमारा HTML का। सो यहाँ पर अगर जाऊँ यहाँ पर देखो तो फोकस इनपुट डाल सकते हैं हम यहाँ पर। बाय डिफॉल्ट सम यू ब्राउजर्स विल ऐड अ ब्लू आउटलाइन आउट अराउंड द इनपुट एंड व्हेन इट गेट्स फोकस्ड फोकस क्लिक ऑन यू विल रिमूव दिस बिहेवियर बाय एडिंग आउटलाइन नन टू इनपुट नन। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप कोई सा इनपुट को सिलेक्ट करते हो और उस पर फोकस करते हो, यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर एक क्विकली एक इनपुट पे मैं कुछ करता हूँ, लाइक मैं इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू नेम, एंड यहाँ पर अगर मैं कुछ स्टाइलिंग करके दिखाऊँ आपको, तो सबसे पहले तो मैं आउटलाइन जो है इसकी नन कर देता हूँ। ठीक है, कौन सा वाला है हमारा फर्स्ट वाला, तो इसको मैं अगर सिलेक्ट करूँ यहाँ पर कुछ लगा के यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँ, तो यहाँ पर देखो कि ये ब्लू कलर आ रहा है, तो इसको मैं स्टाइल कर सकता हूँ। और वो स्टाइल कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फोकस, और यहाँ पर मैं लिखूँ बैकग्राउंड कलर रेड, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो मैं मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पर नाम अपना सॉरी अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर ऐसा कुछ आ रहा है बना हुआ। और मैं क्या कर रहा था यहाँ पर कि मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था कि फोकस हम कैसे लगा सकते हैं इस पर। वेल इनफैक्ट यहाँ पर मुझे जो है टाइप नेम नहीं लिखना था, मुझे टेक्स्ट लिखना था, मैंने नेम लिख दिया गलती से। और यहाँ पर मुझे फोकस क्या करेगा, जब मैं फोकस करूँ यानी कि इसको सेलेक्ट करूँ, तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाना चाहिए। दिखाता हूँ मैं आपको, अगर मैं यहाँ पर देखो आप जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो आप रेड कलर हो गया, तो ये भी हम चेंज कर सकते हैं जैसे हम इस पर फोकस करेंगे। तो मैं इसको करना चाहता हूँ मान लो एंटीक वाइट, तो एंटीक वाइट जो है थोड़ा सा हमारा दिखेगा अच्छा, ये देखो आप एंटीक वाइट इज़ लुकिंग गुड। तो मैं ये सारे इनपुट पे लगाना चाहता हूँ, तो मैं एक काम करूँगा इसको ऐसे कर दूँगा। ठीक है, इनपुट पे जब फोकस हो तो ये ऐसा हो जाए, तो इस पे लगाओगे, इस पे लगाओगे, या फिर इस पे लगाओ, या फिर टेक्स्ट एरिया पे भी कर देता हूँ, तो टेक्स्ट एरिया और फोकस।
अब इसका जो कलर है थोड़ा सा मैं डार्क रखूँगा और येलो के टिल्ट में दूंगा, तो येलो का थोड़ा सा टिंट डालेंगे हम। देखो अब मैं इस पर सिलेक्ट करूँ तो ऐसा कुछ हमारा दिखेगा। सॉरी येलो नहीं, मैं इसको ब्लूइश दूंगा, तो ऐसा कुछ टिंट दे देंगे हम इसे। और इधर पर इसका थोड़ा सा डार्क कलर लूँगा मैं फॉर्म में, ये करके ये थोड़ा सा डार्क। एंड अभी देखिए हम कुछ फॉर्म ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो देखो आप ऐसा कुछ हमारा दिख रहा है। तो गाइज आपने देखा कि हमने फॉर्म के अंदर कितनी जल्दी और कितना अच्छा फॉर्म क्रिएट कर लिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को। और गाइज देखो यहाँ पर हमने कुछ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं करी, यूज़ करी है जिससे हमने लगे कि हाँ ये हमारा नया टॉपिक है। यहाँ पर हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं जो हमने करनी चाहिए थी, अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुई थी। हमने फॉर्म्स के थ्रू सारी चीज़ें डिस्कस भी कर ली हैं और हमें समझ में आ भी गया है कि हम कैसे फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको सबमिट जब करोगे आप, देखो इसको सबमिट जब आप करोगे तो ये सब हैंडलिंग जो है ये सब आपकी जो है जावास्क्रिप्ट पीएचपी के थ्रू होगी, तो इसकी टेंशन आप मत लो। ये सब आपका जो है लुक जो है, आप इसका स्टाइल जो है वो आप सारा सीएसएस के थ्रू करते हो। एचटीएमएल सीएसएस, एचटीएमएल जो तो स्ट्रक्चर देगा, सीएसएस जो है स्टाइलिंग देगा, और फिर आपका जो जावास्क्रिप्ट रहेगी तो वो आपका लॉजिक देगी। तो इसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है कि आपका फॉर्म सबमिट क्यों नहीं हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये पहले से पता था, बट फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको टेंशन लेने की उसकी ज़रूरत है नहीं। अब इसकी जगह मैं ईमेल लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसकी जगह पासवर्ड लिख देता हूँ, पासवर्ड, ठीक है। और इसके अंदर मैं इसके अंदर नेम लिख देता हूँ, ओके। तो अभी ये थोड़ा सा हमारा प्रॉपर दिख रहा है, और इसको मैं टाइप करूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, इसको टाइप करूँ तो कुछ ऐसा, इसको टाइप करूँ तो कुछ ऐसा, और इसको टाइप करूँ तो कुछ ऐसा, ठीक है। तो हमने देख लिया कि ये कैसे सेट किया जाता है और कैसे वर्क करेगा। अब यहाँ पर हम इनपुट के अंदर भी बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। यहाँ पर मान लो इसको हमें इनपुट के अंदर बॉर्डर रेडियस देना है और इसके अंदर कुछ देना है, तो बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, तो ये 5 पिक्सल ले लेगा। और साथ ही साथ इनपुट के अंदर भी मुझे देना है, तो इनपुट कहाँ गया, ये है हमारा, तो ऐसा कुछ हम बॉर्डर रेडियस इसको भी दे देंगे, ठीक है। तो वो सब पासवर्ड का जो था वो दिखा रहा था, शो कर रहा था। अब आप देखो तो एक फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पर। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करने को रह गई हैं। लास्टली हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे क्विकली, जिसका नाम है हम यहाँ पर एक नया फॉर्म बनाऊँ। जैसे कि मैं यहाँ पर मान लो एक नया फॉर्म बनाते हैं, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, और इसको भी मैं एक कमेंट आउट करता हूँ मान लो, ठीक है। इसको कमेंट आउट, फिर उसके बाद इसको कमेंट आउट, ठीक है। तो इसको सोर्स कोड जो है मैं आपको दे दूंगा, टेंशन लेने की बात है नहीं। तो आप इसको अनकमेंट करके देख लेना, चला के देखना। अब यहाँ पर मेरे पास एक सेलेक्ट वाला जो है ऑप्शन है, अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर तो आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास सेलेक्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। या फिर मैं काम करता हूँ कि इस सबको अनकमेंट करके ऐसा कुछ करके मैं इसके नीचे जस्ट यहाँ पर एक फॉर्म के अंदर, फॉर्म नहीं लूँगा मैं, फॉर्म को हटा के एक सिलेक्ट वाला ऑप्शन डाल दूंगा। अब सिलेक्ट में क्या होता है कि आप एक ड्रॉप डाउन देखते हो, दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसा कुछ ड्रॉप डाउन आएगा बना हुआ। अगर आपको पता नहीं है सीएसएस में कैसे वर्क करता है, ये देखो ये ड्रॉप डाउन जो है बना हुआ आ रहा है, तो ये जो है सीएसएस सॉरी एचटीएमएल जो है इसके थ्रू होता है ये। तो हमें इसके अंदर इसकी सीक्वेंस जो है बटन से पहले देनी होगी, तो हम इसको बटन से पहले रख देते हैं, तो कंट्रोल एक्स। अब ये जो है ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने फॉर्म में डालो, बट यहाँ पर मुझे आपको सिखाना है यहाँ पर, है ना, तो ये इसलिए मैंने इसको ऐसे डाला है। तो अभी आप देखो तो यहाँ पर एक हमारे पास ऑस्ट्रेलिया नाम का कुछ बना हुआ आ गया है, तो आप इसको स्टाइल कर सकते हो। और इसके अंदर स्टाइल करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर सिलेक्ट का यूज़ करो, और इसके अंदर मार्जिन दो, पैडिंग दो, फिर इसके अंदर आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं।
तो आई होप कि आप ये मुझे करके बताओगे, मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट लेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट के अंदर आप मार्जिन दो। मार्जिन के साथ साथ जैसे कि मैं इसके अंदर दे दी मार्जिन 0 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स ऑटो, ठीक है। अब इसमें विड्थ 100%, तो विड्थ 100% ले लेगा ये, देखो ये विड्थ 100% ले ली, ठीक है। और इसके अंदर मैं अगर पैडिंग दूँ, पैडिंग तो पैडिंग मान लो मैं देता हूँ इसको 10 पिक्सल्स सब जगह से, और इसको मैं 10 पिक्सल्स यहाँ से भी करता हूँ, तो आप देखो कि इसने 10 पिक्सल 10 पिक्सल दोनों साइड से ले लिया है। अब इसको ड्रॉप डाउन दिखाऊँ तो ये ड्रॉप डाउन भी दिख रहा है, तो इसको हम स्टाइल कर सकते हैं। दैट्स द मेन होल आइडिया हेयर, ठीक है। तो वापस इसको ऑटो कर दूँगा मैं, ठीक है, इसको ऑटो कर दिया वापस से, और हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो फॉर्म के अंदर थोड़ी सी पैडिंग दे दूँ, पैडिंग 10 पिक्सल्स 20 पिक्सल्स, एंड ऐसा कुछ हमारा फॉर्म बना हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो टेक्स्ट एरिया की थोड़ी सी हाइट कम कर सकता हूँ, हाइट 200 पिक्सल्स, तो हाइट कम हो गई, और मान लो थोड़ी सी और कम करता हूँ 150 पिक्सल्स, तो ये 150 पिक्सल्स हमारी बने हुए आ जाएगी। अब इसकी जगह आप कंट्रीज़ की जगह आप कुछ और डाल सकते हो ड्रॉप डाउन में, ठीक है, यहाँ पर आप कुछ और डाल सकते हो। तो बस यहाँ पर मैं एक आइडिया दे रहा था कि आप सिलेक्ट को भी यहाँ पर करके आप इसके अंदर आप स्टाइल कर सकते हो। तो ये था मेरा होल आइडिया हेयर। अब आप इसको और अच्छे से स्टाइल करके दिखाओ मुझे, कमेंट सेक्शन में सोर्स कोड भेजो, मैं देखूंगा चला के कि आपका जो सोर्स कोड है वो कैसा चल रहा है और मेरा जो है वो फॉर्म कैसा चल रहा है। तो गाइस ऐसा करके बताओ, प्रैक्टिस होगी, मज़ा आएगा, दोनों साथ में वर्क करेंगे और सीखेंगे दोनों एक दूसरे से। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर।